मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहां के किसानों से हजारों टन खरीदा हुआ प्याज आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खराब हो रहा है, लेकिन इसके रखरखाव पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। 32 लाख मीट्रिक टन प्याज पैदा हो गया, चारों तरफ प्याज के ढेर लगे। हमने कहा क्या करें, हमने फैसला किया प्याज सरकार खरीदेगी। मुझे कहा कि प्याज खरीद के फेंकनी पड़ेगी, कहां जाएंगे? हमने कहा फेंकेगा तो किसान नहीं फेंकेगा, प्रदेश की सरकार उनसे खरीदेगी, उनको पूरा दाम देगी और 2 रुपए किलो गरीबों में जितनी बटेगी बांट देंगे। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान प्याज की अच्छी पैदावार और किसानों से समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदने का दाम तो भर रही है और सरकार ने किसानों से प्याज खरीद भी लिया, लेकिन रखरखाव की व्यवस्था भोपाल के करौंद मंडी में बेहद खराब है। इस मंडी में तकरीबन 8000 मेट्रिक टन प्याज है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी और रखरखाव सुविधाओं में कमी की वजह से कई टन प्याज बर्बाद हो चुका है। प्याज सड़ रहा है और प्रशासन का वही रटा रटाया बयान है। यहाँ से मंडी प्रशासन के द्वारा भी और नान के द्वारा उसको तिरपाल वगैरह ढक के रखे गए हैं, लेकिन वो हवा की वजह से बार बार तिरपाल उड़ जाते हैं। तो जो भी मैक्सिमम प्रयास हो रहा है प्रशासन के द्वारा प्याज सुरक्षित करने का, वो किया जा रहा है। दरअसल ज्यादा पैदावार होने की वजह से वादे के मुताबिक सरकार ने किसानों से प्याज के समर्थन मूल्य 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा और इसे 220 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से नीलाम कर दिया। रविवार से अब तक 1,37,000 क्विंटल खरीदा जा चुका है। किसान लगातार मंडी में प्याज लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस रखरखाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्याज किराया कहीं पटवारी का लिखा लाओ, कहीं इसका लाओ उसका लाओ, मतलब दोबारा से परेशान है, मतलब कोई व्यवस्था नहीं। किसानों से प्याज राज्य सरकार ने खरीदा, सरकार के निर्देश पर ही इसे नीलाम किया गया और अब व्यापारियों को 7 दिन के अंदर इसे मंडी से वापस अपनी जगह ले जाना होगा और रखरखाव की ऐसी व्यवस्था। ऐसे में नुकसान तो उन व्यापारियों का भी है जिन्होंने नीलामी में ये प्याज खरीदा है। गो न्यूज़ ब्यूरो।